हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज आपको पता है कि 12 जुलाई को जो नीट के सेकंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आना था दोस्तों, वो रिजल्ट अभी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इनके पास अभी 5 बजे इसकी वेबसाइट पे नोटिस आया हुआ है कि जो मद्रास हाई कोर्ट है वहाँ से आदेश आया है कि जो तमिल भाषा का जो मैटर चल रहा था कि उस समय रॉन्ग हुए थे 196 अंकों की बोनस की मांग कर रहे थे, तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि भी इसका रिजल्ट दोबारा निकाला जाए। तो इसीलिए जी हाँ दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले सर्च बॉक्स में टॉप स्टडी सर्च करिए, यहाँ से मुझे आप फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद यहाँ पे नीट, एसएससी, रेलवे और बैंक से संबंधित आपको चैप्टर मिलेंगे। सो हर प्रकार के कोर्स मिलेंगे, लेसन मिल जाएंगे दोस्तों। और फॉलो करने के बाद आप मुझे चैट भी कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप फॉलो करने के बाद मेरे से चैट करिए और कमेंट करिए, हर प्रकार के डाउट क्लियर कर सकते हो। इन्होंने एमसीसी ने अभी क्या है नोटिस जारी किया है कि जो अब तक की जो प्रक्रिया वो बरकरार रहेगी जब तक हाई कोर्ट के न्यू आदेश ना आ जाए तब तक। दोस्तों आपको मैं इस वीडियो के अंत में वो नोटिस दिखाने वाला हूँ। ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, राइट 5 बजे ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है दोस्तों। उस ऑफिशियल में स्पष्ट साफ लिखा हुआ है कि जो नीट यूजी जो मेडिकल काउंसलिंग जो सेकेंड राउंड की थी वो प्रक्रिया अब तक बरकरार रहेगी, यानी जो अब तक की प्रोसेस है वो पूरा रहेगा। उसके बाद जो आगे की पालना होगी काउंसलिंग की, सीट अलॉटमेंट की, रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे वो हाई कोर्ट के, मतलब हाई कोर्ट के आदेशानुसार ही करेंगे। क्योंकि सीबीएसई कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे क्योंकि 196 नंबर हम बोनस अंक नहीं दे सकते। तमिल भाषा में मिस्टेक हुआ है ना कि इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश भाषा में तो परफेक्ट सही था। ये जब फॉर्म अप्लाई किया तो स्पष्ट लिखा हुआ कि इंग्लिश भाषा में क्लियर वैलिड माना जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सब्सक्राइब करने से आपको नए आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। तो दोस्तों आप आइए चलते हैं अपने वो क्या है नोटिस, उस पर जानकारी लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप mcc.nic.in साइट पर जाइए। जिस ही साइट पर जाओगे इस तरह यहाँ से क्लिक कीजिए। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह का एक नोटिस डाउनलोड हो जाएगा, और पीडीएफ में मैं मतलब वीडियो के लिंक के अंदर पीडीएफ का इसका नोटिस का लिंक डाल दिया गया है, वो आप देख लीजिए। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से आपको नोटिस स्पष्ट क्लियर होगा कि आल पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट की इंस्टीट्यूट और कॉलेज और यूनिवर्सिटी सभी को मतलब इनको सूचित किया जाता है कि जो यूजी जो बीडीएस और एमबीबीएस जो कोर्सेज से उनकी काउंसलिंग थी जो हाई कोर्ट के मद्रास को मदुरई के जो बेंच नंबर ये दिया हुआ है, ये कोर्ट में जो रिट लगी थी दायर हुई थी ऑनलाइन इंटीग्रेटेड काउंसलिंग जो सेक्शन 2018 है वो इंक्लूडिंग द डिक्लेरेशन सेकेंड राउंड रिजल्ट विल बी केप्ट अगेंस्ट फ्यूचर ऑर्डर्स, यानी जो भविष्य के जो ऑर्डर आएंगे हाई कोर्ट के उसके साथ कैंडिडेट एडवाइज जो भी है। दोस्तों ये नोटिस है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी रिजल्ट नहीं आने वाला है आज, तो उसके लिए बहुत बैड न्यूज़ है वैसे एक तरीके से। तो जिन भाइयों के अच्छे मार्क्स थे जल्दी से काउंसलिंग हो जाती थी, अब दोस्तों कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट दोबारा भी आ सकता है। इसलिए धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बने रहिए हमारे साथ लॉन्ग टाइम के लिए। धन्यवाद।